गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिव्या। हमने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग पढ़ा था। आज हमारा उसी से आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जो हमने पिछला पढ़ लिया उसके बारे में। जो हमने पिछला पढ़ा था थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम जो नया टॉपिक है उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है? तो पिछले हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और किन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे कि ये डिफाइनिंग नहीं है। तो हमने किसके अकॉर्डिंग देखा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपने ये भी जाना था, मतलब जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, जैसे कोई अपवाद ना निकले। जैसे हमने ग्रोथ के उसमें देखा था, अगर हम ग्रोथ को डेफिनेटिव बोलेंगे तो किस बेस पे बोलेंगे कि उसमें कोई एक्सेप्शन ना निकले, मतलब वो लिविंग पे ही अप्लाई हो। तो वो नॉन लिविंग पे भी अप्लाई थी, तो इसी के लिए हमने इंटरनल ग्रोथ का वो ले लिया था कि अगर इंटरनल ग्रोथ है तभी वो डिफाइनिंग है। सेम ऐसे हमने रिप्रोडक्शन में देखा था, ऐसे हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था, ऐसे ही हमने कॉन्शियसनेस में देखा था। ये तो हमारा प्रीवियस था। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। हमारे चारों, जैसे कि अभी इस रूम में जो चीजें मुझे दिख रही है वो सारी डाइवर्सिटी में आएंगी। जैसे जैसे इस व्हाइट बोर्ड से लेकर, इस बॉल से लेकर, वॉच से लेकर, क्लॉक से लेकर, सारी चीजें, और चाहे मैं हूं, तो इन सबको अगर मैं काउंट करूंगी तो मैं इसको क्या कहूंगी, डाइवर्सिटी कहूंगी। पर आपका टॉपिक डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। मतलब आपको क्या करना है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी बतानी है। अभी तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो एक रूम का लिया है कि इस रूम पे क्या क्या चीजें हैं जिसको हम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो इसमें जो जो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दिख रही है सारी मैं काउंट करूंगी इसमें डाइवर्सिटी में, कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। फिर मैं इसको कैटेगराइज जहां से करूंगी वहां से मैं एक नया टर्म जोड़ सकती हूँ डाइवर्सिटी के साथ, कि अगर मैं डाइवर्सिटी में बायो वर्ड जोड़ दूंगी। क्या जोड़ दूंगी? बायो वर्ड। बायो का वर्ड आपको पता ही है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बायोलॉजी है, तो बायो का वर्ड होता है लाइफ, इसका मीनिंग है लाइफ। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स। अगर मैं केवल डाइवर्सिटी की बात करूंगी तो मैं इसमें लिविंग और नॉन लिविंग सब काउंट करूंगी। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपके सामने आपके चारों ओर की डाइवर्सिटी क्या है, तो आप सब चीजें काउंट करोगे, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। पर जहां से आपको पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी, तो आपको लाइफ के जो डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स कहने का मतलब है कि आप छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक देखते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप कि ये बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ थिंग्स। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। ये तो केवल किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है केवल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन। और जहां से मैं बायो वर्ड जोड़ दूंगी तो वहां से मेरा नॉन लिविंग हट जाएगा। वहां से हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे चारों ओर जितने भी लिविंग है उसकी क्या क्या डाइवर्सिटी है, मतलब किस किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे भी हैं, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दिख ही नहीं रहे, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है? वायरस को हम किस केस में लिविंग कहेंगे? अभी वायरस की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वायरस किस केस में लिविंग होता है और किस केस में नॉन लिविंग होता है, हम इसे आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है। कभी पूछ लेता है पेपर में, जैसे छोटे एग्जाम में, होम एग्जाम में पूछ लेता है, तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आप लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर जितने भी फॉर्म्स दिख रहे हैं, जिस जिस रूप में हमें लिविंग बींग दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? अब अगला चैप्टर, अब अगली बात करते हैं हम कि अगला टॉपिक हमारा है क्या, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन तो क्लियर होगी। पर अब आपको मैं एक नई चीज बताती हूँ। इस दुनिया में अभी तक जो आपके उसमें एनसीईआरटी में डाटा भी दिया गया है, 1.7 to 1.8 मिलियन इतने जो लिविंग बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने डिस्क्राइब हो चुके हैं, ठीक है? अभी हमें पता नहीं कि इसके बाद कितने हैं, इतने ही है या इससे भी बहुत ज्यादा है, जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं इतने मिलियंस डिस्क्राइब हो चुके हैं। और इसमें भी एक नई चीज है कि इतने मिलियन में सबसे ज्यादा संख्याएं किसकी हैं, मतलब अगर हम देखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा कौन से
कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है? वो है हमारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो हमारे आते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सारे सबसे उनकी संख्या अभी तक की सबसे ज्यादा है। तो अगर हमें टोटल काउंट पूछा जाएगा कि टोटल अभी तक कितने डिस्क्राइब हुए हैं, तो वो है हमारे 1.7 to 1.8 मिलियन। ये तो बायोडाइवर्सिटी की बात है। अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज कभी आपको एक नया क्रिएचर मिल गया, जैसे कि मैं पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर सपोज आपको कोई नया क्रिएचर मिल गया, आपको पता नहीं वो क्या है। सपोज ये ऐसे अभी देख के तो हम बता सकते हैं कि ये मैंने क्या बना रखा है, एक प्लांट बना रही, एक प्लांट का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको देख के तो आप बता लेंगे कि ये प्लांट किंगडम का होगा। सपोज ये भी है कि अभी हमें नहीं पता चल रहा कि ये किस किंगडम में रखे, ये क्या है, ये नई चीज, ठीक है, प्लांट से भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, एनिमल से भी डिफरेंट लग रहा है, तो कैसे हम इसको पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए कुछ चीजें, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हम पता कर सकेंगे कि ये क्यों, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। या फिर अभी तक अगर ये डिस्क्राइब नहीं हुआ है, नया कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिल गया, तो इसको जब हम रखेंगे तो कैसे, किस आधार पे इसे नाम दिया जाएगा, ठीक है, किस आधार पे इसको क्लासिफाई किया जाएगा, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे इससे आगे हम। तो अगर अब बात करते हैं, अगर ये मुझे सपोज ये नया कोई क्रिएचर मुझे मिल गया है, तो सबसे पहले मैं क्या स्टेप फॉलो करूंगी, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ जिसे हम फॉलो करके पता कर सकते हैं कि ये चीज क्या है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका करेक्टराइजेशन करूंगी। करेक्टराइजेशन मतलब इसके फीचर लिखूंगी कि ये मुझे कैसा दिख रहा है। करेक्टराइजेशन अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का करते हैं, तो हमेशा हम क्या ऐसा करते हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखें। मॉर्फोलॉजिकल फीचर का मतलब होता है कि बाहरी रूप से कैसा दिख रहा है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, करेक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास क्या है, ये एग्जाम्पल के लिए एक नया क्रिएचर मिल गया, ये लिविंग है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज ये लिविंग है। अब मुझे पता करना है कि मैं इसको कहाँ क्लासिफाई करूँ, मतलब किसके अकॉर्डिंग, किस ग्रुप में डालू मैं इसे। पांच हमारे किंगडम बने हैं, तो ये किस किंगडम में ये सही बैठेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला है करेक्टराइजेशन, ठीक है। करेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, इसके करेक्टर लिखूंगी मैं। अब मैं इसके करेक्टर क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ बाहर से देख सकती हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो मैं सपोज अगर ये एक लिविंग है, तो मैं क्या कैसे बताऊंगी कि इसका कलर व्हाइट है, ठीक है, और इसका शेप ऐसा सिलिंड्रिकल शेप है, और इसमें ये है वो है। तो मैं सारी चीजें क्या करूंगी, मॉर्फोलॉजिकल देख कर करूंगी। और एक वर्ड होता है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल ये होता है कि जब हम इंटरनल स्टडी करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इंटरनल स्टडी करेंगे कि उसके अंदर क्या है, तो वो एनाटॉमिकल हो गया। अगर मैं उसे बाहर से करूंगी तो ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, करेक्टराइजेशन। ये कौन सी स्थिति है, जब मुझे कोई नया क्रिएचर ऑर्गेनिज्म मिला है, मैं नहीं जानती कि वो कैसा है, क्या है, ठीक है। तो अब मुझे उसको पता करना है कि वो चीज क्या है, तो मैं अपने आप सोच के तो पता नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उस स्टेप के बाद मैं पहुंच सकती हूँ कि ये पता करने के लिए ये कौन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, करेक्टराइजेशन, मतलब क्या लिखूंगी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसके लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या कर दिया, करेक्टराइजेशन कर दिया। अब मैंने इसके बारे में करेक्टराइजेशन करके इसके करेक्टर सारे एक पेज पे मैंने क्या कर लिया है, एक पेज पे मैंने सारे करेक्टर्स के नोट कर लिए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे ये पता चल गया, अब मैं क्या करूंगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम पहचान करते हैं, ठीक है। अब वो पहचान कैसे होगी, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी तक हमारे साइंटिस्ट जब भी अर्थ बन रही थी, तब तक तो जब भी अर्थ बनी होगी, ठीक है, जब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा, तो उस समय फिर जैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, तो इवोल्यूशन स्टार्ट होने पे क्या है, एनिमल्स डेवलप हुए होंगे, फिर इंसान बने होंगे, ह्यूमन बीइंग बने होंगे, उनके पास ब्रेन है, इनके पास सब कुछ है, धीरे धीरे सब कुछ जाने की क्यूरियोसिटी रही, तो सब कुछ जानने के बारे में सब कुछ पता चले कि हम कैसे आए, इसके बारे में स्टडी हमेशा होती रही, ठीक है। वो पहले से ही अभी तक चलती जा रही है, अभी भी क्या है कि आगे भी कैसे, जो हमें नहीं पता उसके बारे में जानने के लिए हम क्या रहते हैं, साइंटिस्ट क्या रहते हैं, हमेशा बेताब रहते हैं कि कैसे हमें पता चले कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये चीज पहले से ही चले आ रही थी, तो इसी की वजह से तो ये सारी चीजें क्या हुई, डिस्क्राइब हुई, जो हमने अभी डाटा पढ़ा कि 1.7 to 1.8 मिलियंस एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म क्या है, डिस्क्राइब हो गए हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्राइब, उस जो हमारे पास इसका डाटा पड़ा है कि इतने डिस्क्राइब हो सके,
तो उसके आधार पे मैं क्या करूंगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन करूंगी कि जितने डिस्क्राइब हो गए हैं, मतलब जो जो हमारे पास क्या है, अब एक एक के बारे में तो हम स्टडी कर नहीं सकते, इसी के लिए क्या बनाए गए हैं, किंगडम बनाए गए हैं, ताकि मैं एक किंगडम में अगर मैं किसी भी ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, सपोज कोई ग्रुप बनाया गया है, इतने सारे पत्थर रखे हैं मैंने, ये सारे अलग अलग कलर के हैं, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं एक एक के बारे में स्टडी करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि मैं सबके बारे में स्टडी कर पाऊं। अगर मैं इनको एक ग्रुप में बांट दूं कि ये सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बांट दूं कि ये सारे इस शेप के इसमें आ जाएंगे, इस शेप के इसमें आ जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं एक के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो मैं अनुमान लगा लूंगी कि सारे ग्रुप के मेंबर्स ऐसे ही होंगे। ऐसे होता है, ग्रुप तभी क्लासिफाई किया जाता है। तो सेम यही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो डिस्क्राइब हो चुके हैं, ठीक है, अब वो ग्रुप वाइज रखे गए हैं, इसी के फैसिलिटी क्लासिफिकेशन यही है कि अरेंज किए गए हैं सिस्टमेटिक वे में, तो मैं क्या करूंगी, आइडेंटिफिकेशन करूंगी, या ये इससे तो नहीं मिलता, अगर ये प्लांट, अगर इसमें फीचर क्या है, अब मुझे पता है कि प्लांट का फीचर क्या है, एनिमल का फीचर क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया का फीचर क्या है, जो मुझे नई चीज मिली है इसका फीचर क्या है, ठीक है, मैंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टराइजेशन कर लिया है, मॉर्फोलॉजिकल उसके करेक्टर लिख लिए, अब मैं इसकी पहचान करूंगी कि ये इससे मिलता है या उससे मिलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, मैंने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, इसका क्लासिफिकेशन कर दूंगी, क्लासिफिकेशन मतलब इसको उस ग्रुप में डाल दूंगी, सपोज ये प्लांट का पार्ट था, ठीक है, मुझे पता चला कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, नेचर से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, इसके जो फीचर है कुछ ऐसे मेन फीचर जो प्लांट से मिल रहे हैं, तो मैंने जो करेक्टराइजेशन किया था, आइडेंटिफिकेशन किया, तो मुझे पता चल गया कि ये इसका है, तो अब मैं क्या कर दूंगी, इसको उसमें डाल दूंगी, ठीक है, उसमें रख दूंगी। अभी सीधे नहीं रखा जाता, इसके लिए बहुत सारे वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है, अभी मैं आपको सिर्फ एक बेस तैयार करने के लिए कि कैसे हम एक अननोन क्रिएचर का हम कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप में रख देना इसे, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको क्लासिफाई कर दूंगी किसमें, प्लांट किंगडम में, कि ये प्लांट किंगडम का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके फीचर क्या है, ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो कुछ ऐसे मेन मेन फीचर जो मुझे पता है कि प्लांट के हैं, तो ये मैंने उसमें रख दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगी, लास्ट में नोमेनक्लेचर करूंगी, नोमेनक्लेचर मतलब इसको नाम दूंगी, अगर इसको सपोज नाम नहीं मिला है तो अब मुझे इसे नाम देना है कि मैं इसे क्या नाम दूंगी, अब नाम मैं इसका कुछ भी नहीं रख सकती, ठीक है, जैसे हमारे जैसे कॉमन नेम हम बोलते हैं आम भाषा में, हम कुछ भी किसी का नाम बोल देते हैं, तो मैं इसको ऐसे नाम नहीं दे सकती, क्योंकि नाम देना ऐसा नाम देना है ताकि अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, बाहर मतलब इंडिया से बाहर जाती हूँ, तो अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो सबको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऐसा होना चाहिए यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल मतलब सब जगह उसी नाम से जाना जाता हो, ठीक है, चाहे हम यहाँ इंडिया में रहे या इंडिया से बाहर जाए। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए मुझे क्या करना है, और नोमेनक्लेचर किसने दिया, कैसे दिया, क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल जाननी होगी, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, पिछले इसमें हमने फीचर पढ़े थे, डिफाइनिंग फीचर कौन से होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से होते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। आज हमने स्टार्ट किया किससे, कि डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग, तो लिविंग बींग की अगर मैं डाइवर्सिटी देखना चाहूंगी तो मैं अब इतना लंबा टॉपिक नहीं बोलूंगी, मैं नहीं कहूंगी हमें लिविंग बींग की डाइवर्सिटी देखनी, मैं सीधे क्या बोलूंगी, मुझे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता करना है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है ये दिमाग में अपने आप आ जाएगी, मतलब लिविंग बींग के कितने फॉर्म है, कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अभी लिविंग बींग, तो अभी तक 1.7 to 1.8 million, इतने सारे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर कहां तक हो, मैंने बता दी ह्यूमन तक, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है ह्यूमन की, आपने पढ़ा होगा 10th class में भी था, विटेबा 9th class में है, बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है 9th में, उसमें दिया गया है कि आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, उन्होंने जितने भी इस दुनिया के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ताकि स्टडी करने के लिए अच्छा रहे, पहचान ले हम, आराम से क्लासिफाई कर लिए, उसके लिए उन्होंने किंगडम बनाया, किंगडम में उन्होंने पुट कर दिया कि किसके अकॉर्डिंग, कुछ करेक्टर्स के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, ये छोटी छोटी चीजें आपने 9th में सुनी भी होगी, नहीं तो 11th में चैप्टर हमारा अगला चैप्टर वही है जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, पर इस चैप्टर में थोड़ा सा हमें इसका बेस जानने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इतने मिलियन डिस्क्राइब हो गए हैं अभी तक, अब उस डिस्क्राइब में अब वो कैसे डिस्क्राइब हुए होंगे, ठीक है, तो कैसे हुए होंगे कि साइंटिस्ट लगातार
खोज करते रहे, किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला, अब सबको इतने सारे मिल गए तो क्या आप हम इतनी वन पॉइंट इतने मिलियंस मतलब 10-12 लाख एक साथ पढ़ लेंगे? हम एक एक करके नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या एक ताकि स्टडी हमारी इजी हो जाए उसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया। उस क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? ठीक है, तो हम अगर हमें सपोज कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो हम किस आधार पे हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या कुछ स्टेप फॉलो करने हैं? वो स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? करेक्टराइजेशन है, इसको मैं नीचे लिख दे रही हूँ, करेक्टराइजेशन। फिर हमारा दूसरा क्या है? करेक्टराइजेशन में क्या करना है? सिर्फ करेक्टर लिखने हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखने हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल, अगर कोई मुझे नई चीज मिली है, कोई नया कीड़ा मिला है, अगर मैं सोचूं कि मैं उसका मॉर्फोलॉजिकल ना करके एनाटॉमिकल स्टडी करूं, तो मैं अगर उसे मार दूंगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे को अभी कुछ पता तो है नहीं उसके अंदर कि क्या स्टडी करनी है क्या नहीं करनी है। तो मैं अभी क्या करूंगी? केवल मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से मुझे जो ऐसा दिखेगा मैं लिखती रहूंगी हर एक फीचर जो मुझे उसकी एक्टिविटी से लग रहा है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत टाइम तक, तभी जाके उसके फीचर हम लिख सकते हैं। फिर करेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए आपके पास टैक्सोनॉमिकल एड्स भी होते हैं। ठीक है, पहचान करने के लिए उसको अगला पढ़ेंगे, वो आइडेंटिफिकेशन ही हमारी पहचान ही करवा सकता है कि हम कैसे हेल्प। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? हमारी हेल्प करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें जानना है समझना है कंपेरिजन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा ये आपका लास्ट टॉपिक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो आपके पास ऐसा इतना आपके पास साधन हो गया, इतना कि आपको मिल गई है वो चीज, मतलब ऐसे रिसोर्स मिल गए जहां से आप आइडेंटिफाई कर सके, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन क्या पड़ेगा, मैंने पहचान लिया कि इसके फीचर इससे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? उसका बेस्ट क्लासिफिकेशन फिर कर सकती हूँ आइडेंटिफिकेशन के बेस पे। और उसके बाद मुझे क्या करना है? इसको नाम देना है। अपने मन से नाम नहीं दे सकती, इसको नाम देने के लिए भी मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ फिक्स कोड है। ठीक है, अगर वो अगर मेरी पहचान होगी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लांट है, तो ये प्लांट है तो इसको मैं क्या करूंगी, किस कोड में जाकर किस कोड के रूल फॉलो करूंगी, या फिर अगर ये कोई एनिमल्स है तो फिर मैं कौन से रूल्स फॉलो करूंगी। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ICBN और ICZN, ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोड है जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इन रूल्स को पढ़ना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकेंगे, किसी को नाम दे सकेंगे। तो इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो मैं लिख भी देती हूँ क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये किसका है? बोटेनिकल, बॉटनी किससे रिलेटेड है? ये है प्लांट से। ठीक है, जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करेंगे वो सब्जेक्ट हमारा बॉटनी हो जाएगा, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे वो हमारा जूलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका है तुम्हारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसका है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इतना आपको समझ आ गया होगा कि नोमेनक्लेचर करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले कुछ कोड है, उस वो कोड कैसे इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल आप समझिए कि नोमेनक्लेचर ही इंटर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सब जगह पे वही अप्लाई होना चाहिए। जैसे हमारा हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस क्या है, इसके भी रूल है, इसको मैं कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नेम, इसको आपको बताऊंगी। होमो सेपियंस ये हमारा साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग नाम देना है हमें भी कि हम कहाँ पे कुछ कोड्स है, उन कोड्स में कुछ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नोमेनक्लेचर। अगर मुझे मेरा वो प्लांट है तो प्लांट के अकॉर्डिंग करूंगी, अगर मेरा वो क्या है एनिमल है, एनिमल के अकॉर्डिंग करूंगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर वो क्या है, वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एनिमल्स और प्लांट ही हो। इन तीनों में से बैक्टीरिया तो नहीं होगा क्योंकि मैं आंखों से देख नहीं पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया कि जिसे मैं आंखों से देख पा रही हूँ,
तो अभी बैक्टीरिया वाला इसके लिए भी सारे बने हुए हैं, जैसे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वैसे ही वायरस का होता है बायोलॉजी। जैसे आंखों से नहीं देख सकते, जो नहीं दिख रहे हैं नेक्ड आईज से, तो उनके लिए भी बने हुए हैं ऐसे कुछ कोड, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं सबके लिए, पांच किंगडम है तो पांचों किंगडम के को नाम दे रहा है, नाम तो सभी को दे रहे हैं जितने भी, अगर आप कोई नया क्रिएचर मिलेगा तो इनके लिए बनाए गए हैं मेनली अभी बोटेनिकल और जूलॉजिकल, इसलिए क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं उस एग्जाम्पल ही वो लिया है मैंने जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये कुछ कोड है ऐसे उसके लिए भी है, बैक्टीरिया के लिए भी, ऐसे वायरस के लिए भी, ऐसे प्रोटोजोन्स के लिए भी, जिसको हम अप्लाई करके नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन कोड की बात कि तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है, रूल्स क्या है, अब इस रूल्स को देखेंगे, ठीक है। नोमेन कल्चर हो गया, अब ये नोमेन कल्चर जब आई गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नाम किस आधार पे होना चाहिए, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नोमेन कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो नाम होने चाहिए। दो नाम कहने का मतलब जैसे हमारा नाम, हम ही क्या है, सबसे पहले अपना हम नेम लिखते हैं, उसके बाद भी कास्ट लिखते हैं, चाहे हम कोई भी कास्ट के, ठीक है। तो सेम ऐसे ही लिविंग इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका भी अगर हम ऐसा नाम दे रहे हैं जो यूनिवर्सल हो, वो भी दो तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने दो नाम की बात करके, नाम भी दो होने चाहिए, उनको बोलते हैं इस, ये कहलाएगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, द्विनाम पद्धति बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति मतलब किसने दो नाम होने चाहिए ये चीजें बताई। तो इस नोमेन कल्चर को, किस नोमेन कल्चर को, जिसमें हमें क्या है हर एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम देने, तो उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल नोमेन कल्चर होना चाहिए। तो वो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनायस भी पढ़ते हैं इसे, और हिंदी में पढ़ते हैं इसे कैरोलस लिनियस, क्योंकि मैं इसे दोनों भाषा में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं तो उन्हें भी जरूरत होगी कि वो भी कैसे तैयार करें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये बेनिफिट हो जाए कि वो भी आराम से कर पाए और हिंदी मीडियम वाले भी समझ सके आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बायनोमियल नोमेन कल्चर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, जिसको लिनायस इंग्लिश में पढ़ेंगे, लिनियस हिंदी में पढ़ा जाता है। और अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, द्विनाम पद्धति, अभी हम ये तो नहीं कह सकते जैसे हमारा क्या है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये करके लिखते हैं, या फर्स्ट नेम लिख के फिर अपना कास्ट लिखते हैं। तो अब हर ऑर्गेनिज्म को अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर में के अकॉर्डिंग देना है तो कैसे देंगे, तो इन्होंने कैरोलस लिनियस ने बोला कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक जीनस होना चाहिए, जीनस नेम होना चाहिए, और दूसरा स्पीसीज नेम होना चाहिए, स्पीसीज नेम होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि हर एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम होना चाहिए, पहला नाम किसको डिनोट करेगा, उसके जीनस को, किस वंश का है, और दूसरा नाम डिनोट करेगा उसकी स्पीसीज को कि वो किस जाति का है। तो हर ऑर्गेनिज्म के वंश और जाति के अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए, वंश का नाम भी आए किस वंश से बिलोंग करता है और किस जाति से बिलोंग करता है, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये आना चाहिए। ये किसने दिया था, बायनोमियल नोमेन कल्चर, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने कुछ रूल बनाए थे, ठीक है। नोमेन कल्चर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ICPN ICJN में कुछ रूल है, तो वो रूल क्या है, वो रूल यही है कि क्या है, कैसा नाम होना चाहिए, सबसे पहले बायनोमियल नोमेन कल्चर के अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए, ठीक है, मतलब दो नाम होना चाहिए, स्पीसीज नेम और जीनस नेम, ठीक है। पहला रूल तो आप समझ गए हैं, कुछ रूल्स हैं जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं, पहला जीनस वाला और दूसरा दो नाम होने चाहिए, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल बोलता है, पहला रूल जीनस एंड स्पीसीज, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम, फर्स्ट वन इज जीनस नेम एंड सेकेंड वन इज स्पीसीज नेम। सेकेंड रूल क्या है, अभी जीनस और स्पीसीज नेम भी अगर आप लिख रहे हो तो जीनस नेम का फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर का और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर का, पहला। दूसरा रूल मैं आपको
ये चीजें जैसे हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला कि दो नाम होने चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग ही नाम बताते जा रही हूँ। अब तीसरी चीज, तीसरा रूल, पहला रूल आप इसी से कनेक्ट करते हुए पढ़ लेना। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको दिया है कि किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी भाषा जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी क्या है? ऐसा नहीं उसका नाम सोनू मोनू इस टाइप से ना हो, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में ना हो, हिंदी में ना हो, संस्कृत में ना हो, मतलब आप समझ रहे हो, तो उसका क्या होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसको इटैलिक, इटैलिक में मतलब जैसे हम तिरछे लिखते हैं, पहले तो लैटिन वर्ड होने चाहिए, ठीक है, मतलब अल्फाबेटिकल होना चाहिए। अल्फाबेटिक मतलब एबीसीडी, मतलब इंग्लिश नाम जिसे हम बोल सकते हैं, अभी के उसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसे यहाँ पे इंग्लिश ना लिखकर लैटिन लिखा है। आप सर्च भी करेंगे कि लैटिन भाषा किस प्रकार की भाषा, तो उसमें ये लिखा हुआ है अल्फाबेटिकली जो लिखे जाते हैं, जिसको अभी हम अल्फाबेट बोलते हैं, एबीसीडी, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे नाम को लिखिए। जैसे जैसे मैंने होमो लिख दिया ना, होमो सेपियंस, सेपियंस ये मैंने नाम लिखा है, तो किसके अकॉर्डिंग है? अल्फाबेटिकली है, एबीसीडी, एच ओ एम ओ, तो आप समझ गए होंगे। तो पहला क्या है, बाइनोमियल बोला था किसने? लीनियस ने बोला था। क्या बोला था? जीनस। इसीलिए मैंने सेकंड उसी से स्टार्ट कर दिया कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल होना चाहिए, आया समझ, कैपिटल और स्मॉल होना चाहिए। तीसरी चीज, जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? लैटिन होना चाहिए, या फिर ये क्या है, लैटिन भाषा में मतलब अल्फाबेटिकली होना चाहिए। दूसरी चीज, ये इटैलिक होना चाहिए। अब मैं इटैलिक नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इटैलिक नहीं लिखूंगी तो मुझे इटैलिक लिखने के लिए पहले तो मुझे इसे और इटैलिक करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब कि हमें जरूरी नहीं, उस समय ध्यान भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक रूल है कि अगर आप इटैलिक नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना है, सिंपली अंडरलाइन कर देना है, आया समझ। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख नहीं सकते, बस ये है कि हम उस समय ध्यान रहे ना रहे, और अगर हम लिख भी रहे हैं अपने उससे तो पढ़ने वाले को ना लगे ये इटैलिक लिखा है हमने। अगर हम एग्जाम की बात करें, हमने इटैलिक लिखने की कोशिश करें, सपोज जो एग्जामिनर है उनको नहीं लग रहा कि इटैलिक जैसा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे, फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये क्लियर हो गया होगा, मतलब कैसे रूल्स कैसे कनेक्ट करके जो आपको याद रहे, इसीलिए मैंने फर्स्ट लैटिन लैंग्वेज ना बोल के मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया कि जैसे आपको पता चला कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस ने दिया है, तो लीनियस ने दो नाम दिए, जीनस और स्पीसीज, तो वहीं से पहला रूल ये निकल गया कि क्या होना चाहिए, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू नेम, ठीक है, तो वो कौन सा, जीनस एंड स्पीसीज। जीनस द वर्ड इज द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैपिटल एंड द फर्स्ट वर्ड लेटर ऑफ स्पीसीज स्मॉल लेटर, दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा कि ये होना कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। फिर तीसरा रूल लास्ट में क्या है, इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक हमसे नहीं हो पाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये रूल फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर करने के ये सारी हमारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नाम देंगे, मतलब नाम भी कैसा देना है, ऐसा देना है जो साइंटिफिक नेम जिसे हम बोल सके, यूनिवर्सल नेम हो, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए बनाया गया हो, उसका ऐसा कोई ऐसा कॉमन नेम ना हो जिसे कि कहीं बाहर जाके अगर हम उसके बारे में बोलेंगे तो हम उसे सामने वाला ना समझ पाए। सपोज इसके अब कभी अभी ऐसा मौका मिले कि हमें फ्रांस जाना पड़े, ठीक है, अब वहां हमारा आम खाने का मन है, अब वहां जाके हम क्या बोलेंगे, अगर मैं सपोज वहां आम को कुछ और कहते होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो अगर हमारा अगर हम किसी से बोलेंगे हमें ये चाहिए तो शायद वो ना समझ पाए। अगर हम साइंटिफिक नेम से बोलेंगे कि हमें मैंगीफेरा इंडिका के बारे में जानना है, ये कहाँ मिलेगा, तो हो सकता है जो पढ़ा लिखा होगा उसे पता ही होगा कि ये साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मदद करेंगे हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्या क्या हो गया, आज का टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कितने डिस्क्राइब हो गए हैं, अगर कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हमें किन स्टेप को फॉलो करना है, लास्ट में नोमेनक्लेचर के लिए कौन से कोड दिए गए हैं जिसमें हम उन कोड में जाके कौन से रूल फॉलो करेंगे जिससे कि हम किसी को नाम दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, अगले टॉपिक में हम टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, उसके बाद हमारा फिर लास्ट टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसको मैं बता चुकी हूँ आइडेंटिफिकेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हमारी उसमें हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।